नमस्कार, YouTube चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR पर आपका हार्दिक स्वागत है। आंवला यानी अमृत फल के गुणों से सभी परिचित हैं। कच्चा आंवला थोड़ा कसेला होता है, इसलिए इसे जैम, सूखी कैंडी, अचार, आंवला पाउडर और मुरब्बा के रूप में प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में दिन भर में एक मुरब्बा भी आपको शीतलता और ताजगी देने के लिए काफ़ी है। यह शारीरिक मानसिक विकास में सहायक है तथा त्वचा, आँखों और बालों को भी लाभ पहुंचाता है। चूंकि आंवला अक्टूबर से जनवरी तक के मौसम में ही मिलता है, इसलिए दिसंबर महीने में ही हम साल भर के लिए आंवले का मुरब्बा बनाकर रख लेते हैं। घर पर बना मुरब्बा बाज़ार के मुरब्बा से बेहतर होता है, क्योंकि हम इसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बिना केमिकल के आंवला मुरब्बा के लंबे समय तक संरक्षण के लिए जरूरी हो जाता है कि बीच बीच में मुरब्बा के कलर तथा चाशनी के गाढ़ेपन की जांच करते रहें। आप देख रहे हैं, हमारा यह मुरब्बा 4 महीने पहले तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी मधु जैसी चाशनी पानी की तरह पतली हो चुकी है और मुरब्बा का रंग भी भूरे सुनहरे कलर से सफ़ेद होता जा रहा है। अगले कुछ दिनों में यह खराब हो सकता है। इसके संरक्षण के लिए हम इसमें कोई केमिकल भी नहीं मिलाए हैं, इसलिए इसे लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए हम इसका रीमेड करेंगे। आप देख रहे हैं, यह मुरब्बा खराब होने वाला ही है। इसका रंग सफ़ेद होता जा रहा है और हमारे छोटे जार का मुरब्बा समाप्त हो चुका है। मुरब्बा के रीमेड में हम उसे भी यूज कर लेंगे। और अब आइए हम दिखाते हैं आपको हमारे साल भर का मुरब्बा का स्टॉक। ये है, हम दिसंबर महीने में ही इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं और साल भर आंवला के मुरब्बा का आनंद लेते हैं। मुरब्बा के रीमेड के लिए बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। आप आधे घंटे में एक जार का मुरब्बा को रीमेड कर सकते हैं। इसके लिए हम मुरब्बा की मात्रा के अनुसार स्टील का बर्तन लेकर उसमें चाशनी सहित मुरब्बा को डालकर धीमी आंच पर गर्म करेंगे। आप देख रहे हैं, मुरब्बा को हमने स्टील के बर्तन में डाल दिया है और धीमी आंच रखी गई है गैस चूल्हे की। और जार के नीचे जो चाशनी का मोटा परत बैठा हुआ है, उसे हम किसी प्लास्टिक के चम्मच से ही निकालेंगे, नहीं तो जार टूट सकता है। इस काम में प्लास्टिक का ये जो बड़ा चम्मच है और स्टील की ये प्लास्टिक का चम्मच और स्टील की ये जाली और स्टील का ही ये कलछी की तरह का जो बड़ा चम्मच होता है, उसका हम यूज करेंगे। इसके अलावा यानी किसी धातु को इसमें व्यवहार नहीं करें, इससे आंवला मुरब्बा ख़राब हो सकता है। धीमी आंच पर आंवला मुरब्बा को चलाते रहें। अगर चाशनी बहुत पतली हो, आप देख रहे हैं चाशनी बहुत पतली है, तो इसमें हम अनुमान के अनुसार चीनी डाल लेंगे ताकि चाशनी मधु जैसी गाढ़ी हो जाए। हम इसमें 250 ग्राम चीनी डाल रहे हैं और चीनी डालते समय आंवले को उसमें से निकाल देंगे और चीनी घुल जाने पर फिर से आंवला को उसमें हम डाल देंगे। ये देख रहे हैं, हम चीनी को घुला रहे हैं और चीनी घुलने के बाद हम आंवले को इसमें डाल देंगे। आंवले को हम लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो वह नीचे बैठकर जलने लगेगा। और जार में जो और कुछ शेष बचा हुआ है चाशनी, वो हम गर्म चाशनी उसमें डाल के उसको भी उसमें डाल लेंगे। आइए तब तक हम जार को अच्छी तरह धो लेते हैं। जार को धोते समय सावधानी बरतें, नहीं तो आपकी उंगली को इस तरह चोट लग सकता है। इस जार का मुरब्बा समाप्त हो चुका है और इसमें जो चाशनी बचा हुआ है उसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि उसका यूज हो जाए।
अब जाली वाली कलछी से आंवले को हम कुछ इस तरह से हिलाते डुलाते रहेंगे, इससे मुरब्बा के सतह पर जमा हुआ पपड़ी छूट जाएगा और मुरब्बे में चमक आ जाएगी। इसे बराबर हिलाते रहें, नहीं तो ये नीचे बैठकर जलने लगेगा। धीमी आंच पर लगभग 20 मिनट उबलने के बाद मुरब्बे का रंग देख रहे हैं फिर से सुनहरे रंग का हो गया है। अब उसे हम जाली से निकालकर अलग कर लेंगे। मुरब्बे को तो हम अलग कर लेंगे, किंतु चाशनी को मधु जैसी गाढ़ी होने के लिए धीमी आंच पर ही उबलने देंगे। चाशनी में जमी हुई गंदगी को निकालने के लिए हम किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर चाशनी के जो सफ़ेद परत वाली गंदगी है उसे निकालते रहेंगे और उसमें डालते रहेंगे। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि चाशनी से सफ़ेद परत पूरी तरह हट न जाए। ध्यान रहे कि उसमें पानी का अंश ना जाए, क्योंकि पानी का एक बूंद अंश भी चाशनी को खराब कर सकता है। अब तक हमारा जाल भी जार जो है वो भी सूख चुका है। जब चाशनी मधु जैसी गाढ़ी हो जाए तो आधे मिनट के लिए आंच को तेज कर दें, इससे चाशनी की रही सही गंदगी भी निकल जाएगी। केवल आधे मिनट के लिए आपको आंच को तेज करना है और इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आने के बाद फिर इसे बंद कर दें और गंदगी को निकालने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आप देख रहे हैं चाशनी बिल्कुल मधु जैसी गाढ़ी हो गई है और पारदर्शी भी हो गई है। चाशनी की सही कंडीशन की जांच के लिए उसका एक बूंद उंगली पर रखकर उसके गाढ़ेपन की जांच कर सकते हैं। अगर उससे एक तार का गम बन रहा है तो चाशनी सही बनी है। और दूसरी तरह से जांच के लिए किसी बर्तन में थोड़ा पानी रखकर उसमें चाशनी की एक बूंद डालें। अगर चाशनी की बूंद नीचे जाकर बैठ जाए और पानी में तुरंत नहीं घोले तो समझे कि चाशनी ठीक बनी है। अब ठंडे हो चुके आंवले को जार में हम डाल देते हैं। और स्वाद के लिए हम इसमें 2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच सेंधा नमक पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छे महक के लिए इसमें केसर की 2-3 पंखुड़ी भी डाला जा सकता है, लेकिन हम इसमें केवल इलायची पाउडर ही डाल रहे हैं। अब तक हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। यह बिल्कुल मधु जैसा है, पारदर्शी है, आप देख रहे हैं। अब इसे हम धीरे धीरे जार में डालते जाएंगे जब तक कि मुरब्बा पूरी तरह चाशनी में डूब नहीं जाए। इसे ठंडा होने के बाद ही डालें वरना आपका जार टूट सकता है। अब आप देख रहे हैं चाशनी और मुरब्बे का मेल गुलाब जामुन की तरह लग रहा है। मुरब्बे और चाशनी दोनों में चमक है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब यह फिर से लंबे समय तक के लिए संरक्षित है। इस वीडियो में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, किंतु निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर से अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।